तो ये है सिमी का छोटा सा बागीचा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ सिमी के हॉस्टल में, हॉस्टल नहीं पीजी, क्या कहूँ, पीजी में आ चुकी हूँ और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है, बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए हैं। तो अभी हम कहीं जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं सिमी? हम अमीनाबाद मार्केट, यहाँ का फेमस। हम जा रहे हैं अमीनाबाद मार्केट, सिमी हम लोग को लेके जा रही है क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और मार्केट में भी मैं पहली बार जा रही हूँ, ये जा चुकी है पहले भी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाऊँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, और मेरी फ्रेंड भी आएगी उधर से, तो हम सब मिलके साथ में शॉपिंग करने वाले हैं। मार्केट भी एक्सप्लोर करके मैं आपको अच्छे से दिखाने वाली हूँ, और जो जो मैं चीज़ें दिखाऊँ देखूँगी वो आपको भी दिखाऊँगी। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, चलिए चलते हैं। हम लोग श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और सिमी यहाँ पे टोकन ले रही है। तो मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं लाइफ में सेकंड टाइम मेट्रो में बैठने वाली हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली मेट्रो में बैठी थी, लेकिन मैंने व्लॉग भी पूरा शूट किया था, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो व्लॉग अपलोड नहीं किया आज तक। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये भी ब्लॉग मेरा अपलोड होने वाला है कि नहीं। वही मैं यहाँ पे सिमी से बोल भी रही थी कि इस टोकन को देख के मुझे डर लग रहा है कि क्या मैं ये ब्लॉग भी अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं। तो उसने बोला कि नहीं, ज़रूर होगा ये ब्लॉग अपलोड। तो वही सब हम बातें करते करते और अपना मेरी जो फ्रेंड का मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मतलब उसका स्टॉपेज है वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। मेट्रो आई, फिर हम बैठ गए और चलिए अब आगे ब्लॉग में आपको जो जो होगा वो देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोगों ने श्रृंगार नगर से हुसैनगंज का मेट्रो लिया था और हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। और ये कितना खूबसूरत डेकोरेशन यहाँ पे हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने तो बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स भी बना लिए हैं जो कि चैनल पे जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर जाकर देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ से जाने वाले थे अपनी फ्रेंड के घर और उसको वहाँ से लेकर, और तब हम अमीनाबाद निकलने वाले हैं। तो आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। तो हम लोग अमीनाबाद के लिए निकल गए हैं। और मुझे मेरी फ्रेंड भी मिल गई है और हम, और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े कैसे बदल गए। लखनऊ में इतनी गर्मी है कि मुझे जाके अपने कपड़े चेंज करने पड़े क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही थी गर्मी की वजह से। अब थोड़ा जान में जान आ गया है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अमीनाबाद मार्केट के अंदर। यहाँ से मार्केट शुरू है। ये देखो मटन का नहीं, मटन नहीं, हम लोग को चिकन चाहिए। आइए आगे। मैं भी, तुम तो आके नहीं देखी यहाँ का। लखनऊ स्ट्रीट मार्केट में पहले चला है ना ये स्ट्रीट मार्केट, ये अंदर देखिए वहाँ हम लोग बहुत गर्म है भाई साहब। मेरा कैमरा ऑन ही रहेगा। हाँ सही कह रही हूँ, ये देखो फुटमैट, घड़ियाँ भी मिल रही हैं। फेक ये पूरे इधर आते हैं ना।
भैया जरा अपना ये 50 सीधा करिए, ये लो घर में पहनना प्रीति गर्मी में, चल लेना था क्या प्रीति को? ये तो वहाँ भी 50 में ही मिलता है, तो इतनी दूर आया टिकट लेके। ये देखो ये तो तुम मंगवाए थे कहाँ से? देखो वाओ 100 रुपए के पास है, व्हाइट कलर का बहुत अच्छा लगेगा। ये स्ट्रक्स 100 रुपीस। और यहाँ पानी पूरी खाते हुए, वो भी 5 पानी वाला, 5 पानी अलग अलग फ्लेवर का, उनको पहले खा दिया जाए। बताइए 50 रुपए का मैडम, और नीचे का ये लगा हुआ जैकेट 150 रुपए में, दो कोई भी निकाल लीजिए, कोई सा भी जैकेट। ये तो लड़कों का लग रहा है यार, सुनाली ये कहाँ गए? वहाँ ये 150, 200, 250, 300 ये ये 200 के खुश से भी वाला रेट है, सस्ता है ऑलमोस्ट, चीजें 50 रुपीज अंडर। तो पूरा मार्केट हमने अच्छे से देखा, और मैंने ये सोचा कि यहाँ पे सभी के लिए तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी, क्योंकि यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250 के बहुत अच्छे सेल लगे हुए थे। टॉप, टी शर्ट, श्रग, वुलन टॉप्स, सबके प्राइस बहुत ही अच्छे थे, और सबका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि उन लड़कियों को बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए मार्केट बेस्ट है, और प्राइस तो इतनी अच्छी है कि पूछिए मत, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखीं जो लगा कि हाँ लेना चाहिए, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि हम पहली बार सोच रहे थे कि अच्छे से मार्केट को देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं। तो जो भी हमने लिया वो लास्ट में आपको मैं दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए आपको व्लॉग आगे तक देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिए। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैं और मेरी फ्रेंड दोनों ही फर्स्ट टाइम अमीनाबाद मार्केट आए हुए हैं, और हम यहाँ पे जो भी चीज़ें देख रहे थे हमारे लिए सब नया था, और मेरी बहन और उसकी फ्रेंड तो आते जाते हैं, उनको यहाँ पे बुक्स मिलते हैं उनके, तो इसलिए उनको आना पड़ता है। वैसे उनको भी कुछ खास मार्केट के बारे में पता था नहीं, तो हम सब नए ही थे यहाँ के लिए, तो हमने सब कुछ अच्छे से देखा। बहुत टाइम लग गया, काफ़ी लंबा मार्केट भी था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी बहुत तेज़ थी, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे सिर्फ चल चल के।
तो लास्ट में हमने डिसाइड किया, हमें कुछ शॉप्स दिखे चिकनकारी वर्क के, लखनऊ का फेमस है आप सभी को तो पता ही होगा, तो हमने सोचा कि चल के यहाँ से तो कुर्ते ले ही लेते हैं, वैसे भी हम लोग का फेवरेट था, थोड़ा पसंद है हम लोग को बहुत ज़्यादा ये चिकनकारी वर्क। तो यहाँ गए, यहाँ सारे शॉप्स पे ये लोग प्राइस ऑलमोस्ट कपड़ों का सेम रखे हुए थे, पता नहीं कैसे इनको आइडिया लग जा रहा था कि शायद हम लोग नए आए हैं तो ये हम लोग को ठगने की पूरी प्लानिंग में थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया, ये आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और हमने क्या ख़रीदा यहाँ से वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।